नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सबरंग में। मित्रों, कहते हैं कि नज़रों में सम्मान और बोल में मर्यादा किसी भी संबंध को बहुत मजबूत बना देती है और ये हमारे व्यक्तित्व को भी एक नया रूप प्रदान करती है। लोग भी हमें उसी सुंदर नज़र से अर्थात सम्मान की नज़र से देखते हैं और हमसे भी मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारी नज़रों में सबके लिए सम्मान है तो दूसरों की नज़रों में भी वही सम्मान आ जाता है। और हमारे बोल में जहाँ मर्यादा रहती है तो हमारे साथ बातचीत करने वाले भी ऐसे ही हो जाते हैं। सचमुच जो हम देते हैं वही तो हमें प्राप्त होता है। तो चाहे संबंधों की बात है मित्रों, चाहे जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, इन दोनों को अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बना लें। तो आइए इन्हीं सुंदर दोनों बातों को अपने जीवन में अपनाने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। आराम को छोड़ साहस को साथी बनाएं। कठिन परिस्थितियों में जो साथी आपका साथ ना निभाए और अपना ही स्वार्थ परिपूर्ण करे, तो क्या ऐसे साथी की कामना आप करेंगे? आराम और साहस के बीच में कुछ ऐसा ही तारतम्य है। अगर हम आराम को अपनाएंगे तो वो हमेशा आलस्य के तरफ प्रेरित करेगा, कभी भी सच का सामना करने का साहस प्रदान नहीं करेगा। इसके विपरीत जब साहस हमारा संगी बनता है तो वो उस खिवैया जैसा होता है जो कठिन परिस्थितियों के तूफानों में भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। आराम आपको परिस्थितियों को टालने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन साहस आपको परिस्थितियों और समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होगा। आराम अस्थाई है, लेकिन साहस एक स्थायी गुण है जो एक बार साथी बनकर सफलता की प्राप्ति तक आपका साथ निभाएगा तथा आपको शक्ति भी प्रदान करेगा। मित्रों, कहते हैं अच्छा संबंध वही है जहाँ बातें खुलकर की जा सकें, संभाल कर नहीं। आजकल लोग संभाल संभाल कर बात करते हैं कि कहीं मैं ये बात कह दूँ, ये बात उसे अच्छा लगे ना लगे, या कहीं मेरी ये बात कहीं और ना पहुँच जाए, बात खुल ना जाए, राज खुल ना जाए। विचार करें, यदि ऐसे संभाल संभाल करके कोई बात करता है तो क्या वहाँ प्रेम है? क्या वहाँ विश्वास है? क्या वहाँ अपनत्व है? और यदि ये नहीं है तो संबंध में मधुरता नहीं है, प्रगाढ़ता नहीं है। इसीलिए हम इसकी शुरुआत करें, हम ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाएं कि हर एक व्यक्ति जो मेरे संबंध में है, संपर्क में है, मेरे अपने हैं, खुलकर अपने दिल की बात मुझसे कह सकें, मुझसे समाधान ले सकें, उन्हें ये विश्वास हो कि इनसे हमने बात की है तो ये बात कहीं और नहीं जाएगी, बल्कि हमें सही समाधान मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा। क्यों ना हम अपने व्यक्तित्व में इस बात को भी शामिल करें। आप देखेंगे कि सचमुच चारों तरफ से अपनों से आप घिरते जाएंगे, सबका स्नेह प्यार आपको मिलेगा और आप औरों के लिए भी एक सुंदर एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो ज़रूर इस पर भी गहराई से विचार कीजिएगा। और इसी के साथ आइए चलते हैं अपने सुंदर अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। ओम शांति दोस्तों। दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्ट्रेस के ऊपर। हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ। दोस्तों, दुनिया में अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि हम कोपिंग एबिलिटी को बढ़ा सके, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। ना तो कोई ऐसी कोई मेडिसिन है, ना कोई ऐसी सर्जरी है, ना कोई ऐसा कोई और प्रोसीजर है जिससे हम इसको बढ़ा सकें। एक ही मेथड है, एक ही टेक्निक है जिससे हम इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, कोपिंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, वो है योग या मेडिटेशन। योग शब्द जो है, बेसिकली योग का मतलब क्या है, योग का अर्थ क्या है? योग मीन्स कनेक्शन। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन वर्ड जो है मेडिटेरी से आया है। मेडिटेरी शब्द जो है वो उसका अर्थ है फोकस करना, टू फोकस, टू कंसेंट्रेट। और मेडिटेशन वर्ड एक मेडरी वर्ड से भी आया है, उसका मतलब है हीलिंग। दोस्तों, बेसिकली हमें क्या करना है, कनेक्शन करना है। और कनेक्शन में ज़्यादा हमें मेडिटेशन का मतलब, इसलिए सिनोनिम्स है वैसे योग मेडिटेशन दोनों शब्द,
और उसमें हमें क्या करना है, फोकस करना है, कंसंट्रेट किस पे करना है, किससे किससे किस पे किससे कनेक्ट करना है, और हमें हीलिंग के लिए मेडिटेशन करना है। तो दोस्तों, जो कनेक्शन किस चीज़ से करें हम, तो कनेक्शन विद व्हाट, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना ही मेडिटेशन है, सत्य से जुड़ना ही योग है। अगर हम सत्य से जुड़ करके उस पर फोकस करें, कंसंट्रेट करेंगे, एकाग्र बुद्धि करेंगे और उससे हमारी हीलिंग होगी। तो दोस्तों, अब देखिए ट्रूथ क्या है, सत्य क्या, व्हाट इज़ द ट्रूथ। ट्रूथ की दो क्वालिफिकेशंस कह सकते हैं या विशेषता कह सकते हैं दोस्तों। पहली बात है, ट्रूथ एटर्नल होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। सत्य जो होता है सदा होता है, अविनाशी होता है, शाश्वत होता है, उसका जन्म और मरण नहीं होता, सदा ही रहता है। दूसरा, सत्य जो होता है वो होता है अनचेंजेबल होता है, सत्य कभी बदलता नहीं है। दोस्तों, एक इंसान का सत्य क्या है, अगर हम कभी ओम शब्द सुनते हैं ना, ओम का अर्थ क्या है, ओम दो शब्दों से बना है, ओम वैसे बहुत सारे मीनिंग्स हैं, पर एक शब्द का अर्थ है अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो आत्मा सत्य है, शरीर सत्य नहीं है, शरीर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, एटर्नल नहीं है, सदा नहीं है। तो दोस्तों, ह्यूमन बींग का सत्य क्या है, तो उसको हम जानेंगे आने वाले सीरीज में। ओम शांति मित्रों। जीवन में उतार चढ़ाव हर एक के आते ही हैं, कभी हम चढ़ते हैं तो कभी हम उतरते हैं, और इसका जीवन में होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे समय में ही हम अपनों की परख कर पाते हैं कि कौन हमारे अपने हैं और कौन अपना होने का दिखावा कर रहे थे, हमें चढ़ने में किसने धक्का लगाया और उतरने में किसने धक्का लगाया, इस बात की भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। और हम ये सीख ले लेते हैं कि जब कभी हमारे अपनों के साथ ऐसा होगा तो हम कभी भी किसी को नीचे नहीं गिराएंगे, लेकिन ऊपर चढ़ने में ही मदद प्रदान करेंगे, क्योंकि जो ऊपर चढ़ने में मदद करता है, जो विपदा के समय में मदद करता है, वो हमेशा के लिए दिल में उतर जाता है और विशिष्ट बन जाता है। और यही हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ही आगे ही बढ़ते रहे और औरों को भी आगे बढ़ने में मदद करते रहे। आइए देखते हैं आज विशिष्ट की बातें विशेष में हमारे साथ ऐसे ही कौन से खास मेहमान हैं। एक चीज़ और, आज के समय में हम देखते हैं कि लोग आध्यात्मिकता से थोड़ा दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आजकल का मॉडर्न ज़माना है, हम साइंस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, ये चीज़ें तो हमें बहुत बाद में करने की है, पहले तो हम थोड़ा पैसा कमा लें, अपने बच्चों को सेट कर दें, जब हमारे पास थोड़ा टाइम बच जाएगा, रिटायरमेंट ले लेंगे, तो उसके बाद हम ये चीज़ें करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अध्यात्म क्यों ज़रूरी है लाइफ में, बचपन से ही, जबकि हमारा जो भारतीय संस्कृति थी वहाँ इसको, चाहे गुरुकुल सिस्टम था वहाँ पर, इसको पहले से ही बचपन से ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में नहीं दी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि बाल्यकाल से ही ये चीज़ होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए। माँ के गोद से जब बेटा गुरु शिक्षा में जाता है, जो जिस तरह से एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को संजो के गुथ करके और एक सही स्वरूप देता है, घड़े का स्वरूप या मूर्ति का स्वरूप या जो भी एक स्वरूप देता है, ठीक वही स्थिति मेरे और आपकी होती है। माँ के पेट से हम बाहर आते हैं, माँ के गोद से हम हटते हैं, तो गुरु के संसर्ग में जाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं। अब वह गुरु दीक्षा समाज में रहने के लिए, समाज में कार्य करने के लिए, परिवार में रहने के लिए, परिवार के वातावरण को ठीक करने के लिए, दूषित अगर कहीं दूषित समाज में व्याप्त है, कहीं दोष आ रहा है, उन विसंगतियों में खड़े होकर के बिना भेदभाव किए नेक कार्यों के लिए, सामंजस्यता बनाने के लिए, एकरूपता लाने के लिए वह आवश्यक होता है जी। तभी समाज आगे बढ़ पाएगा जी, जी। जैसे गांव में अगर दो अपराधी होते हैं तो गांव के लोग 98 उस गांव के लोग ये नहीं प्रयास करते हैं उनको ठीक करें, उस व्यक्ति को ठीक करें, जबकि अपराध दो व्यक्तियों से है जी। पूरे गांव उसके वजह से बदनाम होता है, पूरा क्षेत्र उसके वजह से बदनाम होता है, लेकिन यह प्रयास नहीं रहता है कि उसको बुला करके बैठा करके सामंजस्यता लाई जाए और उसमें जो कमी है उसको बार बार कह के उसको ठीक किया जाए जी जी जी। तो व्यक्ति के अंदर जब ये सब चीजें आ जाएंगी, बगल में कोई गलत है, गंदा है, तो उसको अपराधी है, तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अच्छे संसर्ग में, अच्छे प्रयास में, अच्छे कार्य में, अच्छी व्यवस्था में लाने का अगर प्रयास करेंगे जी, तो निश्चित रूप से उस प्रयास का हल निकलेगा
और देश की पूर्ति भी। मित्रों, बात हो रही है रिश्तों में मधुरता की, तो एक बहुत ही सुंदर सी बात अध्यात्म हमें सिखाता है कि जितना अच्छा रिश्ता आपका अपने साथ होगा और परमात्मा के साथ होगा, उतना ही अच्छा रिश्ता आप औरों के साथ निभा पाएंगे। जब हमारा खुद के साथ ही रिश्ता अच्छा नहीं होता, हमारे अंदर ही हम बिल्कुल उलझे हुए होते हैं, अपने आप को ही प्यार नहीं कर पा रहे होते, अपने आप को ही सम्मान नहीं दे पा रहे होते हैं, या फिर ईश्वर से हमारा वो नाता नहीं होता, तो हम औरों को भी वो प्यार, वो सम्मान, वो अपनापन नहीं दे पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद के साथ और खुदा के साथ एक सुंदर संबंध स्थापित करें, ताकि हम अपने आसपास रिश्तों में भी उसी खूबसूरत को घोल पाए। नमस्कार, सादर प्रणाम। सेगमेंट जरा ये भी सुनो में मैं उपस्थित हूं, प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर से। बहनों और भाइयों, एक बार एक हंस का बच्चा उल्लुओं की बस्ती में फंस गया। उल्लुओं के बच्चों ने पूछा कि ये हंस के बालक तू कहां से आया है, तेरी क्या विशेषता है? तो हंस के बालक ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं जिस देश से आया हूँ वहाँ पर सूरज निकलता है, सूरज निकलने से रोशनी होती है, जगमग प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। जब ये बात उल्लू के बच्चों ने अपने पिताजियों को बताई, उल्लुओं को बताई, तो उल्लुओं ने कहा कि ये हंस का बच्चा तो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, लिया जा। हंस के बच्चों को पकड़ा गया, पकड़ने वाली पुलिस उल्लू थी, उसे ले जाकर अदालत में उपस्थित किया गया। अदालत में जो न्यायाधीश थे वो भी उल्लू थे, जिन वकीलों ने दलील पेश की वो भी उल्लू थे। लिहाजा हुआ ये कि उल्लुओं के न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि ये हंस का बच्चा झूठ बोलता है, भला कोई प्रकाश होता है, भला कोई रोशनी होती है, भला कोई सूरज होता है, लिहाजा इस हंस के बच्चे को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। हंस का बच्चा फांसी पर चढ़ा दिया गया, बेवजह मार दिया गया। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उल्लुओं यानि अंधकार के पक्ष को ही स्वीकार करने वाले लोगों के बीच फंस जाते हैं। तब बुद्धिमत्ता इसमें है कि हम थोड़ी तकनीक से वहाँ से बच के निकल लें, क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि जो निहायत उल्लू यानी ऐसे विकारों से सन्नद्ध होते हैं कि उनसे दूर होना ही नहीं चाहते, वहाँ पर अपनी एनर्जी को व्यर्थ न करते हुए हमें अपने सद्गुणों का विकास करना चाहिए। मित्रों, रिश्तों पर कहीं बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी थीं, आज उसी से अंत कर रहा हूँ। लिखी थी ये बात कि रिश्तों में नाराजगी को ज़्यादा लंबे ना चलने दिया करो, यदि वो ना हंसें तो तुम मुस्कुरा दिया करो। कई बार हम ये सोचते हैं कि सामने वाला मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं क्यों उससे बात करूं, सामने वाला नाराज़ है तो भले नाराज़ रहे, मैं सामने से जाकर के क्यों मनाऊं। तो कई बार हम इस उहापोह की स्थिति में रहते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते भी नहीं हैं, हंसते भी नहीं हैं। इसे लंबा ना चलने दें मित्रों, क्योंकि जितनी लंबी ये चीज़ चलेगी उतनी ही ज़्यादा दूरियाँ बढ़ती चली जाएंगी। रिश्ते बहुत मूल्यवान हैं, हम उनको सम्मान दें और अपनी तरफ से शुरुआत करें। आपकी मुस्कान जादुई छड़ी का काम करेगी और सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुराकर आपसे ज़रूर मिलेगा। इसलिए क्यों ना शुरुआत हम स्वयं से करें, अपनी मुस्कान से, अपनी हंसी से, अपने प्यार से, अपने सम्मान से। निश्चित रूप से सामने वाला भी इस सम्मान को, इस मुस्कान को समझेगा और प्यार से गले मिलेगा और हमारे संबंध हमेशा के लिए फिर से मधुर हो जाएंगे। तो आपके संबंध हमेशा ही सुंदर रहें, मधुर रहें, श्रेष्ठ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।